हेलो गाइस, दिस इज अनुराग जैन। यू आर वाचिंग नॉलेज प्रोवाइडर। दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो 12th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट से जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो है हम लोग कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो से दो चैप्टर कम से कम एक वीडियो में आ जाए, ताकि जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाए। तो अब जो है कल से दो वीडियो जो अपलोड होंगी रोज़, एक आपके पॉलिटिकल साइंस की और एक जो है हिस्ट्री का सब्जेक्टिव या फिर साइकोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का जो है पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, एक मिनट, किस अनुच्छेद में न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति अंतर्निहित है। तो यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, आपका जो पहले का आंसर है ये पूछ रहा है कि न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति अंतर्निहित है, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो ये जो है आपका सी अनुच्छेद, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 72 याद रखिएगा, अनुच्छेद 72 में न्यायिक पूर्णावलोकन की शक्ति अंतर्निहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बने। तो जनता 1977 में जनता पार्टी के शासन में, तो देख लीजिए, जनता 1977 के जनता पार्टी के शासन में जो है मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। और दोस्तों, पीडीएफ जो है आपका शाम तक अपलोड हो जाएगा, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। साथ में ऑडियो लेक्चर जो आएगी उसको निश्चित तौर से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि ऑडियो लेक्चर निश्चित तौर से जो है आपको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी का नया नाम है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है ये आपका भारतीय जनसंघ पार्टी का जो है नया नाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। तो भारत में वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी 360। अनुच्छेद 360 के तहत क्या हो जाएगा, वित्तीय आपातकाल। और अनुच्छेद 72 में क्या हो जाएगा, न्यायिक पूर्णावलोकन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा अनुच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 में राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह के नेतृत्व जो है वो आपका जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। और दोस्तों, मेरा जो ऑडियो लेक्चर आएगा, ठीक है, ऑडियो लेक्चर निश्चित रूप से जो है आप लोग सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है जितने अनुच्छेद हैं वो सुनने से ही याद होगा, ठीक है। तो उसको निश्चित रूप से आप लोग सुनिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो जय जवान जय किसान का जो नारा है वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इसमें एक चीज़ और जोड़ दिया था, क्या, जय विज्ञान, ठीक है। तो जब पूछे कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो वो जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और जब जय जवान और जय किसान ही पूछे तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। दोस्तों, थोड़ा सा गले में जो है खराश है, इसलिए जो है आपका आवाज़ थोड़ी सी ये हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो संपूर्ण क्रांति से जो है आपका हो गया आपका जयप्रकाश नारायण का जो है नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है, जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ। तो 42वां संशोधन जो है भारतीय संविधान में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, ठीक है, तो इसको निश्चित रूप से याद रखिएगा। और इसमें क्या क्या हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा कि 3 कीवर्ड जोड़े गए थे, है ना। तो उसके बाद जो है बहुत सारे बदलाव भी हुए, तो उतना अभी बतलाने का टाइम है नहीं, हालांकि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊँगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार के समय किस विशेषाधिकार के हनन के आरोप पर लोकसभा की सदस्यता से वंचित कर दिया गया था। तो जनता सरकार के समय में, तो चलिए देख लेते हैं। तो जनता सरकार के जो समय में जो है आपका चंद्रशेखर है, ए चंद्रशेखर, बी राजनारायण, सी मधु लिए और डी इंदिरा गांधी। तो आपका क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी को, ठीक है, इंदिरा गांधी को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हालांकि इसको देखिएगा इंदिरा गांधी ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ। तो नव निर्माण आंदोलन जो है वो आपका
बिहार में जो है विफल हो गया था, नव निर्माण आंदोलन कहाँ विफल हुआ था, तो बिहार में विफल हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रधानमंत्री के समय यह बात उठी कि जज के पद पर नियुक्ति से पूर्व उस व्यक्ति का सामाजिक दर्शन को देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये जो सवाल है आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑडियो लेक्चर निश्चित रूप से सुनिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि एक से दो बार ऑडियो लेक्चर सुनोगे ना तो उसका पीडीएफ में तो मैं आंसर दूंगा नहीं, ठीक है, तो वहां पे आप लोग बनाओगे तो निश्चित रूप से बन जाएगा। ठीक है, यदि 60% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं तो अच्छा है, यदि नहीं हो रहे हैं, इस 60% से कम क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक बार और वीडियो देखिए, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रसिद्ध प्रतिबद्ध, ठीक है, प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया था, तो प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का जो समर्थन है वो इंदिरा गांधी ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व आपका जयप्रकाश नारायण किए थे। कौन किए थे, जयप्रकाश नारायण जी किए थे। ठीक है, उसके बाद चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, जयप्रकाश नारायण। और अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल किस या फिर इसको इस तरह से भी पूछ लेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है भारत में, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा सही, 300 अनुच्छेद 352 जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है संपूर्ण क्रांति के आंदोलन का नेतृत्व, चलिए तो ये आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण ही किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है, देश में आंतरिक गड़बड़ी के कारण संकटकालीन स्थिति की घोषणा कब हुई थी। तो चलिए राष्ट्रीय आपातकाल पूछ रहा है, आपातकाल के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो है 1975 में। ठीक है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगा था ये। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, और ये जो क्वेश्चन है आपका सेकेंड लास्ट है, तो ये देख लीजिए, किस ने कहा था कि दोस्त होते हुए भी नौकरशाही एक, ठीक है, दोस्त नहीं, यहाँ पे दोष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोष, ठीक है, माफ़ कीजिए, यहाँ पे जो है लिखने में थोड़ी सी, होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है। ठीक है, तो ये जो कथन है, ये कथन आपका हेरोल्ड लस्की का है। किसका है, हेरोल्ड लस्की का है। इन्होंने कहा था कि नौकरशाही में गड़बड़ी तो है लेकिन यह आवश्यक है कि नौकरशाही होना ही चाहिए, होगा ही, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था। ये क्वेश्चन जो है आपका आंसर ए है विनोबा भावे, बी महात्मा गांधी, सी जयप्रकाश नारायण और डी राम मनोहर लोहिया। इसका जो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे जाइए और कमेंट कीजिए। ठीक है, और इसी तरह से मैं अब जो है अगले वीडियोज में मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम दो चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, ताकि हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, क्योंकि समय अब कम है। तो निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो अगर पसंद आया हो, हमारा काम यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।